हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑलिव आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी सो so, uh, आपको बताए कि आपका एस एस सी सीजियल का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है 28 जनवरी को ए और जे के जो स्पेशल एग्जाम्स होते हैं वो है और उनतीस जनवरी को 2022 29 जनवरी को आपके इंग्लिश और मैथ्स के एग्जाम है ओके okay? सो so, अब देखिए यहाँ पे ना हर साल ऐसे ऐसी अपनी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस निकालता है बच्चे जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं फिर टेंशन में होते हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट आपको इन इंस्ट्रक्शन से गो थ्रू होना है देर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि अगर आपने ये फुलफिल नहीं किए तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके डिफिकल्टी हो सकती है जो मेरे साथ हुआ था मुझे मुझे एग्जाम नहीं देने दिया गया था ओके okay, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा जरूरी है सो अभी हम पढ़ते हैं कि है क्या एक्चुअली होल्ड ऑन प्लीज सो देखिए यहां पे आपके पास यहाँ पे मैंने आपके सामने एक लिंक लिया है यह हमारा एन डब्ल्यू आर रीजन का है एन आर रीजन में ये इंस्ट्रक्शन शायद शो नहीं हो रहे हैं लेकिन एन डब्ल्यू आर जो है आपका यहाँ पे ये यह जो इनकी एस एस सी की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे जब आप अपना स्टेटस या फिर अपना आई कार्ड जब डाउनलोड करने जाएंगे या देखने जाएंगे तब आपके सामने यहाँ पे कुछ खुलता है तो लेट अस क्लिक दिस लिंक एंड यूल सी समथिंग लाइक दिस ओके okay, सो so जैसे ही ये आपका ओपन हो जाता है तो जैसे हमने इस लिंक को ओपन किया है हमारे सामने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं ओके okay, तो अब ये जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि सीजीएल टू का एग्जाम देंगे अभी क्या क्या इंस्ट्रक्शन है ए बाई से थ्रू हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने ये पूरे नहीं किए तो मेरी तरह आपका भी जो पेपर है आपको नहीं देने दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाएगा जो बाहर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं पुलिस वाले होते आप वहीं से भेज देंगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज तो फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि कैंडिडेट शुड

सॉरी डेट मंथ एंड जो है वो as it is, match करना चाहिए आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो कि ऑरिजनल होना चाहिए फोटो कॉपी नहीं चलते वहां पे ऐसे नहीं कि आधार कार्ड की आप फोटो नहींपी लगेगा नहीं होने नहीं चलेगी नेक्स्ट वी हैव इज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इज नॉट गिवन इन द ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड देन द कैंडिडेट मस्ट हैव एन एडिशनल गवर्नमेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ओके okay, जो आपके ओरिजिनल फोटो ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड है जैसे आप आधार कार्ड लेके गए वोटर आईडी कार्ड लेके गए लाइसेंस लेके गए ड्राइविंग लाइसेंस लेके गए तो अगर आपका उसमें प्रॉपरली डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है वही मैंने बोला ना डेट ईयर एंड मंथ अगर ये मेंशन नहीं है तो आपके पास एक एडिशनल गवर्नमेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए एज प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ यानी कि गवर्नमेंट का एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए ओके जो गवर्नमेंट इशू करती है अब कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे लेकिन थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं थर्ड पॉइंट में लिखा है इफ द डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑफिशियल सर्टिफिकेट इशूड एज अ प्रूफ ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ डस नॉट मैच यानी कि जो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है है ना आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएंगे तभी तो मैच करेंगे आपकी शक्ल और उसकी शक्ल मैच होती है कि नहीं होती है आधार जो आपका रोल नंबर है और आपका आइडेंटिटी प्रूफ है और आप तीनों की शक्ल मैच होनी चाहिए राइट सो so, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो मैच नहीं होती है आपके रोल नंबर से तो तब आप उस कैंडिडेट को बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जाम में स्पेशली मेंशन है बाद में मत कहिएगा कि ये लिखा था हमने देखा नहीं एस एस ने धोखा किया है नहीं एस एस ने पहले ये कर चुका है मेरे साथ हो चुका है मैं गो थ्रू हो चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं चाहती कोई और उस चीज़ को झेले तो ये चीज़ याद रखिएगा सो so, देखिए वहां पे आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है आ, और आपके आ, जो आपका रोल नंबर जब आप जो फाइनल रोल नंबर जो आप डाउनलोड करेंगे जो एग्जाम से कुछ चार पांच दिन पहले जो आता है उसमें बहुत लंबी एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट होगी वो आपको जरूर पढ़नी है उसको फुलफिल करना है अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपको अपना मास्क पहन के जाना है खुद का सैनिटाइजर लेके जाना है काफी कुछ उसमें बताया होगा तो वो सब चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा फॉलो करना है बिकॉज कोविड का भी टाइम है ऊपर से खुद के इनके भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको Uh, कुछ भी पेन वैन वगैरह कैरी नहीं करना है ओके okay? तो ये सब कुछ होता है आपके बेल्क वेल्स सब निकलवा लेते हैं आप सबको पता है राइट right? पूरी थोड़ली चेकिंग होती है आपको जनरली कुछ मेटल की चीज़ें अलाउड नहीं करते हैं ओके okay? मेरी क्लिप निकलवा ली थी तो गर्ल्स है तो क्लिप वगैरह नहीं पहनेंगी रबर बैंडस वगैरह लगा के जाएंगी तो ये सब चीज़ें होती हैं शूज़ वगैरह है तो वो भी निकलवा देते हैं चाहे कितनी ठंड हो दे डोंट यू नो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो आपकी चीज़ें ये सब प्रॉपरली चेक करते हैं सो so, देखिए इसमें क्या लिखा है Instructions जो है आप कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अलाउड है ओके okay? तो so, इसमें आपका क्या है First है है फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो जो कि जैसे बच्चा पैदा होता है, तब पेरेंट्स हैं या फिर दादा दादी जो भी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके नाम लिखवाते कि हमारा बेबी हुआ है एंड उस केस में आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बनता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वाला है बर्थ सर्टिफिकेट वो वैलिड है मेट्रिकुलेशन मार्कशीट ओके कोई भी आपकी मार्कशीट हो चाहे वो मेट्रिकुलेशन हो ओके okay? या फिर आपका इंटरमीडिएट लिखा हुआ दिखाया टेन प्लस टू है या फिर एनी अदर एजुकेशन मार्कशीट जो थर्थ पॉइंट पे है तो कोई भी आपकी एजुकेशनल मार्कशीट है चाहे वो टेंथ है चाहे ट्वेल्थ है चाहे आपकी ग्रेजुएशन वाली है ओरिजिनल में लेके जानी है जिसमें सेम डेट तो वही आपका डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है तो वो वैलिड है साथ साथ आपका टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो भी वैलिड है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपकी मार्कशीट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है पूरा डेट डेट ऑफ बर्थ मैं या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास है जिनपे डेट ऑफ बर्थ मैं वो आप लेके जा सकते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल गया है आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल कार्पोरेशन से मिला है टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन कोई भी मार्कशीट मार्क्सिट डेट ऑफ बर्थ पूरा प्रॉपरली मेंशन है या फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट टेंथ का या फिर आपका डोमिसाइल या फिर गवर्नमेंट इश्यू डेट ऑफ बर्थ और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ये सब आपको इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल में लेके जाना है फोटो कॉपी नहीं चलेगी भगा देंगे वहीं से एंड कौन कौन से अलाउड नहीं है तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका एक तो राशन कार्ड राशन कार्ड अलाउड नहीं है ओके राशन कार्ड इज नेवर कंसिडर्ड यू नो पुख्ता सर्टिफिकेट uh, ओके okay? ये इसको नहीं माना जाता एंड सेकेंडली एफिडेविट आप नोटरी से जाके बनवा लेंगे तो वो भी एफ अलाउड uh, नहीं है तो ये कुछ साइट्स पे मेंशन है ऐसे सी कि कुछ साइट्स पे नहीं है तो एनडब्ल्यूआर जिन पे मेंशन था तो मैंने आपको दिखा दिया है और फिर आपको इसको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट तभी आप जाके अपना स्टेटस या फिर अपना जो एडमिट कार्ड है उसको यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो आई होप यू गॉट टू नो कि कितना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास ये मैंशन नहीं है मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली मैंशन नहीं है आपके फोटो आइडेंटिटी प्रूफ पे तो फिर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा आपकी पूरी साल भर के मैंने छोटी सी गलती की वजह से बर्बाद हो जाएगी तो इन चीज़ों का थोड़ा सा खास ध्यान रखिए अभी कोविड का भी टाइम है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है बच्चों के कई कई बच्चों के बहुत दूर दूर सेंटर्स भी आए हैं तो घर से निकलने से पहले दो दिन पहले ही तैयारी करके रख लीजिएगा एक लिस्ट बना लीजिएगा आपको क्या 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 लेके जाना है क्या क्या नहीं लेके जाना है और आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आ, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए आ, ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो मैचिंग वाला जो किस्सा है राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल तो इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना ज़रूरी है आप लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सो ओके देन आई टेक यू लीव नाउ दीज आर आर टेलीग्राम चैनल हमारे ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यू कैन फॉलो दैम फॉर न्यू अपडेट्स फॉर पी डी एंड फॉर क्लास अपडेट्स ओके सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन आई टेक यू लीव नाउ एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट